हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्यूचर एकेडमी। वी आर हियर फॉर योर बेटर फ्यूचर। लेट्स लर्न, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 23 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बुक। इसके राइटर का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनका जन्म हुआ था 1926 को और इनका निधन हुआ था 1983 को। ओके, तो इसके उनके बारे में जानते हैं। उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस की लिंक आपको आसानी से मिल सके, और चैनल को शेयर भी कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नई कविता के इस प्रमुख कवि का जन्म बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। आर्थिक अभावों में जूझते हुए इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए किया। यानी उनकी पंग थी, आर्थिक अभाव थे उनके जीवन में, यानी पैसे की कमी थी, इसलिए उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए किया। स्कूल में शिक्षक की जॉब की, क्लर्क की जॉब की, फिर आकाशवाणी में भी उन्होंने जॉब की है। बाद में विद्यमान में उप संपादक रहे। इनकी कविताओं में आधुनिक जीवन की विडंबना, विषम स्थिति में भी व्यक्ति की जिजीविषा आदि का मार्मिक चित्रण मिलता है। जंगल का दर्द, कुआनों, नदी, गर्म हवाएं, खुटियों पर टंगे लोग, क्या कहकर पुकारूं, कोई मेरे साथ चले आदि इनके प्रमुख काव्य संग्रह है। इनकी रचनाएं तीसरा सप्तक में भी संकलित है। बबूता का जूता बाल कविताओं का अनूठा संग्रह है। इन्होंने नाटक भी लिखे है, तो काफी सारी चीजों में इन्होंने अपनी कलम चलाई है। प्रस्तुत कविता में कवि ने सौंदर्य को वैयक्तिक रुचि से हटाकर संघर्षशीलता के साथ जोड़ दिया है। तो इस पूरे चैप्टर में या इस पूरी पोएम में कवि कहना चाहते हैं कि भूख प्रत्येक प्राणी के शरीर की एक स्वाभाविक क्रिया है, और इस स्वाभाविक क्रिया को हटाने के लिए या फिर उसको मिटाने के लिए जो वो संघर्ष करता है, उसके बारे में यहाँ लिखा है। और जब वो संघर्ष करता है तो बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। झपट्टा बाज, फन उठाए सांप, दो पैरों पर खड़ी, कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी। तो यहाँ पे कहते हैं कि जब भी भूख से लड़ने, भूख लगना है कि हमारे शरीर की एक स्वाभाविक क्रिया है, और जब भी हमें भूख लगती है और उस भूख से मुक्ति पाने के लिए जब हम संघर्ष करते हैं, तब बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। यानी वो भूख को मिटाने की हमारी जो कोशिश होती है, हमारा जो संघर्ष होता है, वह बहुत सुंदर लगता है। यहाँ कहते हैं कि बिना संघर्ष किसी समस्या का हल निकलता नहीं है, इसीलिए प्राणी जब संघर्ष करता है तब वो बहुत सुंदर लगता है। फिर आगे कहते हैं कि झपट्टा बाज, जब बाज पक्षी अपने शिकार को कब्जे में करने के लिए जितनी तेजी से उसको झपट्टा मारता है, उसके ऊपर झपट पड़ता है, और जिस तेजी से वो उसको अपने चंगुलों में दबोचकर भाग जाता है, वो देखना बहुत सुंदर होता है। आपने कभी नेशनल जियोग्राफी या चैनल पे आपने ये सारे सीन्स देखे होंगे, कभी शिकार करने के लिए चीता या फिर सिंह होता है, या फिर कोई भी एनिमल जब अपने शिकार को पाने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए पूरा संघर्ष करके उसको पकड़ने की कोशिश करता है, तो वो अगर वीडियो आपको देखने को मिले तो वो बहुत ही सुंदर लगता है, और वहाँ वो अपनी 100% देता है उसको पकड़ने के लिए, तो वो देखने लायक होता है। इस तरह अपने शिकार पर वार करने के लिए फन उठाए जो सांप हो, फन उठाए सांप, यानी वो भी जब आक्रामक होता है और उसको निहार रहा हो तो उसको देख रहा होता है और एकदम से उसके ऊपर झपट पड़ता है, वो भी देखने लायक होता है। दो पैरों पर खड़ी, कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी। तो यहाँ पे जब बकरी अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो जाती है और अपनी भूख मिटाने के लिए वह कांटों के बीच नन्ही नन्ही पत्तियां खाने के लिए संघर्ष कर रही होती है, वह भी बहुत सुंदर लगता है। दबे पाँव झाड़ियों में चलता चित्ता, यानी यहाँ का कवि कहते हैं कि जब अपनी भूख मिटाने के लिए जो चित्ता होता है वो खूंखार शिकारी है, और वह दबे पाँव झाड़ियों में धीमे धीमे आगे बढ़ता है और सावधानी पूर्वक अपने कदम बढ़ाता है, और जरा सी भी आहट न हो उसके, उसका जो शिकार है उसको जरा सी भी भनक न लगे, ऐसे शांति से आकर वो उसको दबोच लेता है, तो वो बहुत सुंदर दिखाई देता है। डाल पर उल्टा लटक फल कुतरता तोता, यानी जब तोता अपने भूख मिटाने के लिए डाल को पकड़कर पंजों से डाल को पकड़ता है और फिर उस पर अपना बैलेंस बना के फिर उस फल को कुरेदता रहता है, उसको खाता रहता है, तो वो भी बहुत देखने लायक यानी सुंदर लगता है। या इन सब की जगह आदमी होता, और अगर इन सब की जगह आदमी भी अपने तरीके से हर कोशिश मुमकिन कोशिश करता है और अपनी भूख मिटाने के लिए वो संघर्ष करता रहता है, तो क्या कहते हैं कि आया इन सब की जगह आदमी होता,
जब भी बुक से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखाई पड़ता है, तो आदमी भी भिन्न भिन्न रूप से संघर्ष करता है और उस संघर्ष की वजह से वो खूबसूरत यानी वो देखने लायक परिस्थिति होती है उसके जीवन की, और वो संघर्ष ही हमें कहीं महान बना जाता है। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि बिना संघर्ष के कोई चीज़ मिल जाएगी तो उसका आपको महत्व रहेगा नहीं। जब आप उस चीज़ को पाने के लिए संघर्ष करते हो और बाद में वो चीज़ आपके हाथ में आती है तो उसका जो फल को चखने का जो मज़ा होता है वो कोई और ही होता है। अगर आपको रेडीमेड सब चीज़ें मिल जाती है घर में, आपको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, आपको बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप मेहनत की कमाई करके परिश्रम करके फिर उसको पाओगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये स्टेज आपकी लाइफ में तब आएगा जब आप इनकम कमा के घर में लाओगे। अभी आप स्टडी कर रहे हो लेकिन जब भी आप बड़े हो जाओगे और फिर आप अपने खुद के पैसों से अपना खुद का घर खड़ा करोगे, अपनी लाइफ सेटअप करोगे, तो उस वक्त ज़्यादा मज़ा आएगा उस सब चीज़ों में। तो यहाँ पे राइटर इसी पोएम के ज़रिए यही कहना चाहते कि जब भी इंसान भूख के लिए संघर्ष करता है, अपनी जी जान लगा देता है, तब बहुत सुंदर लगता है। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको कुछ और भी पूछना है हिंदी सब्जेक्ट के बारे में तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगी। और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय।